देखा जाएगा, उसी के हिसाब से हम खबर देंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। हर चीज़ का श्रेय लेने का जो एक पाखंड है वो मोदी जी कर सकते हैं और नहीं कर सकता। मोदी जी के 6 साल के शासन में उन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं वो उनकी कोई योजना नहीं है। मोदी जी को एक शौक है कि मेरी फ़ोटो जो है रोज़ टीवी में अखबारों में छपनी चाहिए। दोस्तों, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी, सोशल वर्कर हैं और काफ़ी एक्टिव आदमी हैं। हमारे चैनल पे अक्सर आते रहते हैं, तशरीफ लाते रहते हैं, उनका ज़्यादा परिचय तो क्या देना है। बहुत बहुत स्वागत है रविंदर कुमार जी आपका फिर एक बार हमारे चैनल के ऊपर। कुछ हम आपसे तो बिल्कुल जो घटनाक्रम होते होते हैं उन्हीं पर बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी मोदी जी आए, तशरीफ लाए हैं, मन की बात भी की थी उन्होंने कुछ दिन पहले, उसके फौरन बाद ही वो आए और लोगों का पूरा दहशत में, दहशत कह रहा हूँ मैं, और सांसें थमी हुई थी। आज 4 बजे क्या बोलेंगे, क्योंकि वो आते रात को हैं ज़्यादातर, तो 4 बजे आ रहे थे, तो 4 बजे क्या बोलेंगे। घरों में सब जगह मोबाइल वोबाइल सब तैयार थे कि सुने क्या करें। वो तशरीफ लाए, मूछें बड़ी हुई थी, दाढ़ी भी उन्होंने बड़ी कर ली है, पता नहीं क्यों की है, क्योंकि अब तो कई जगह सैलून वगैरह भी खुल गए हैं तो वो भी आप बताएंगे क्यों बड़ी की है। लेकिन उन्होंने वो, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत सी बात कही कि हमें 80 करोड़ जो जनता है उसको भोजन करता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब देश की 80 करोड़ जनता भूखी है जिसको एक भोजन की व्यवस्था की जा रही है, तो ये कैसे कह सकते हैं। पहले कहते थे ना कि हम आए तो देश में सब चीज़ नॉर्मल है, सब चंगा है सी, तो 80 करोड़ आधे से भी ज़्यादा हो गए आपके 1,32,00,000 करोड़ में मलाया गया 80 करोड़। और इन्होंने कहा कि उनको कुछ और बढ़ा देंगे, 90 करोड़ तक ले जाएंगे उनको, जो ये बांटेंगे और चना बांटेंगे। तो 2-3 सवाल हैं जिसके आपको जवाब देना है कि एक तो ये कि इन्होंने त्यौहारों का नाम लिया, तो छठ पे जाके रुक गए, उसमें ईद गायब कर दी, आगे बढ़ते तो क्रिसमस भी आ जाता है। जी जी, बात थी। तो ये इन्होंने ये क्यों कहा कि आए क्यों थे, पहली बात तो ये बता दीजिए आप। देखिए, वाच करते उन्होंने तो बता, आने के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी को एक शौक है कि मेरी फ़ोटो जो है रोज़ टीवी में अखबारों में छपनी चाहिए। आपने देखा होगा पहले प्रधानमंत्री किसी से मिलते थे तो कोई भी आता था, सुबह एक फ़ोटो आती थी, प्रधानमंत्री खड़े हैं, हम लोग भी लगाते और एक फ़ोटो लगती थी। वो कहीं ना कहीं भाषण देने जाते थे, विदेश जाते थे तो होता था। तो दिन में जो है मोदी जी 5 बार कपड़े बदलते थे, तो आप जब भी देखते थे जब वो 5 बार कपड़े बदल के 5 बार भाषण देते थे। अब भाषण देना उनकी कला भी है और उनकी एक मैं कहूँगा मजबूरी भी है। मजबूरी क्या होगी? मजबूरी इसलिए कि वो जब ही आएंगे, जब वो नए कपड़ों में जब वो भाषण देने आएंगे तो अगर मुझे 5 बार आपके सामने आना है, दिखाना है कि मैंने 5 कपड़े पहने हैं, तो 5 बार किसी रूप में तो आना पड़ेगा। लेकिन जो उन्होंने कल बात बोली, जैसे कि आपने बोला, तो पूरा लुब्बो लबाव सारी बात का ये है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया वो भी मरी हुई। और जो आपने तीसरी बात कही कि उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोग, उनको हम जो है राशन देंगे, गेहूँ देंगे, 1 किलो चना देंगे, 90 करोड़ भी हो सकते हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मोदी जी के 6 साल के शासन में उन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं वो उनकी कोई योजना नहीं है। मनरेगा थी जी, वो मनमोहन सिंह के टाइम की थी जी, राइट टू एजुकेशन है, इन्होंने पार्लियामेंट तक में बुराई की जी हाँ, वो जो है राइट टू एजुकेशन वो मनमोहन सिंह की योजना थी, जिसे ये कहते हैं स्टार्टअप वो मनमोहन सिंह की योजना थी, और अभी जो ये इन्होंने कल योजना की अनाउंस की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जी, ये वास्तव में इनकी योजना नहीं है, ये भी मनमोहन सिंह की योजना है। मनमोहन सिंह आपको याद होगा फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए थे, हाँ लाए थे उसका बड़ा, और फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 5 जुलाई 2013 को देश में लागू हो गया था, और उसमें एक आ गया था कि हिंदुस्तान की जो आबादी उस समय 127 करोड़ थी, उनमें 2/3 आबादी जो है वो इस फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आएगी, यानी 80 करोड़ लोग। 80 करोड़ वही मोदी जी ने कहा 80 करोड़। 80 करोड़ अब ये है कि उसमें क्या योजना में प्रोविज़न था, उसमें ये था कि पहले 2 योजनाएं चलती थी PDS की, गरीब लोगों को राशन कार्ड से योजना दी जाए, और एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की होती थी, बच्चों को खाना दिया जाए, जिसे बाद में मिड डे मील योजना बना दी, आंगनवाड़ी की योजना बना दिया गया, वो भी मनमोहन सिंह की थी। अब उसमें ये था कि मनमोहन सिंह की योजना में ये प्रोविज़न था
कि आप जो है गरीब आदमी को 2 रुपये किलो गेहूँ देंगे, 3 रुपये किलो जो है चावल देंगे और 1 रुपये किलो जो है मोटा अनाज जैसे बाजरा ज्वार मक्का वो दी जाएगी। और उसमें ये प्रोविज़न किया गया कि ये जो पैसा है घर के आदमी को नहीं मिलेगा, ये राशन कार्ड जो बनेगा घर की औरत के नाम बनेगा। अच्छा, उसमें ये प्रोविज़न ये उसी में था। अच्छा। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, ये सब उसी का। और सारे जो बैंक अकाउंट खोलने की योजना थी वो भी मनमोहन सिंह की योजना थी। और उसमें उन्होंने कहा था कि फूड सब्सिडी जो पैसा है वो जो है गरीब घर की औरत के खाते में जाएगा ताकि घर का आदमी उसे शराब में या किसी और चीज़ में ना बिगाड़ सके। और उसी समय एक योजना थी कि जो मातृत्व जो प्रेग्नेंट औरत होती थी उसके लिए कि उसे स्पेशल राशन दिया जाए, स्पेशल पैसे दिए जाए, जिसे इन्होंने शिशु मातृ योजना बनाकर अपनी योजना बना ली। तो मैं जो लगातार देखता हूँ कि जितनी भी योजनाएँ हैं मोदी जी के काल में एक भी योजना जो है नई नहीं बनी, लेकिन इनमें एक हुनर जरूर है कि आपका कोट अगर मुझे पहनना है तो मैं उसे प्रेस करवा लूँगा, धुलवा लूँगा और ये लगे कि अनिल जी का कोट नहीं है, ये रविंद्र कुमार का कोट है और मैं कहूँगा ये आज ही सिलवाया है। तो ये जो इतना बड़ा जो हर चीज़ का श्रेय लेने का जो एक पाखंड है वो मोदी जी कर सकते हैं और नहीं कर सकता। तो ये क्या उन्होंने पूरी अपनी बुनियाद पाखंडों पर रखी हुई है? अब जैसे आपने बताया कि जितनी भी योजनाएं हैं कोई इनकी अपनी नहीं है और आगे भी जो योजना लागू कर रहे हैं वो भी मनमोहन सिंह पुरानी सरकार की है, मनमोहन सिंह की भी नहीं कहूँगा, मनमोहन सिंह ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी ये योजना है, वो तो जो UPA सरकार है उसकी योजना है। तो ये आखिर नई चीज़ क्या लेके आना चाहते हैं देश के लिए जो देश को बदल देंगे? ये कहते हैं कि पिछली सरकार जो थी नाकाम थी, नकारा थी, वो देश पे बोझ थी, उन्होंने देश का कोई कल्याण नहीं किया, इसीलिए उनकी योजनाओं का नाम बदल के इसलिए अपनी योजना बनाते हैं ताकि लोगों को पुरानी सरकार की याद ना आए। अब जो फूड सिक्योरिटी एक्ट की जो मैं आपने अभी बात की, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रोविज़न है कि गरीब आदमी का हक है राशन लेना, सस्ता राशन लेना, सस्ता खाना लेना, ये उसका हक है। अब मोदी जी ने नहीं कहा ये आपका हक है मैं दे रहा हूँ, मोदी जी ने कहा मैं 5 महीने के लिए दे रहा हूँ, यानी 5 महीने बाद ये योजना जो है इस तरह से खत्म हो जाएगी। जबकि फूड सिक्योरिटी एक्ट आज भी लागू है, संसद ने पास किया और ये जो है 2013 से चल रहा है, मोदी जी 2014 में आए। तो लोग ये भूल जाएँ कि किसने दिया है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है बिहार का। अभी जैसे आपने कहा उन्होंने छठ की बात की, तो छठ की बात भी वो एक तुकांत कवि हैं, उन्हें कहना चाहिए था कि मैं जो है चीन को छठी का दूध याद दिला दूंगा, तो छठी का दूध की जगह उन्होंने कहा मैं छठ में जो है तुम्हें याद दिला दूंगा। तो वो जो है एक आदमी हर चीन का तो नहीं कह रहे हो कुछ, चीन को तो ऐसा है ना, पतिव्रता औरत जो होती है कभी अपने पति का नाम नहीं लेती, और बदमाश से अगर आप डरते हो किसी गुंडे से तो उसका नाम कभी नहीं लेना, उसको क्या बोलते हैं लोग, दादा, दादा बड़ा भैया, भैया ये बोलते हैं, ठीक है ना, बम्बई में दादा बोल देंगे, कहीं भैया बोल देंगे, भाई बोल देते हैं, कहीं भाई बोल देंगे, तो नाम नहीं लेते हैं, लेकिन मतलब पूरे शहर को पता होता किससे बात हो रही है। तो चीन का नाम लेना, मोदी जी के बारे में मैं अभी पढ़ रहा था, आज सुबह से देख रहा था, उन्होंने आखिरी बार चीन का नाम जो है 18 जनवरी को लिया था, उसके बाद उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, शर्मा गए, नहीं पता नहीं क्यों नहीं लिया। देश का जनता, देश के बच्चे कहते हैं हमें चीन को सबक सिखाना है, लेकिन मोदी जी चीन का नाम नहीं ले रहे। अब सवाल ये आता है कि मोदी जी को क्या जरूरत पड़ी कि 80 करोड़ लोगों को, 90 करोड़ लोगों को खाना खिलाना है? दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान में गरीबी और भुखमरी और बेरोजगारी तीनों इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि घर में लोग जो है खाना नहीं खा पा रहे। आप देखते होंगे कि पहले लोग जो है बम्बई से दिल्ली से चले कि कहाँ जा रहे हो जी, बिहार जा रहे हैं, UP जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो जी, वहाँ पर कुछ मिलेगा, वहाँ जाके उन्हें पता चला वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा और वहाँ पर वो फिर भूखे रह रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। तो ऐसे में मुझे एक पुराना एक शेर याद आता है कि जुटा लेती है वो खुशियों को बच्चों को खाना खिलाकर, रोज़ हमारा पेट भरती है माँ अपना पेट काट कर। तो जब औरत को लगता है कि बच्चे मेरे भूखे रहेंगे, इनको खाना नहीं खिला पाऊंगी, तो उसके मन में एक तड़प होती है, और तड़प जो होती है वो ये होती है कि मैं आपको अगर इतिहास की बात याद दिलाऊँ तो फ्रांस की राज्य क्रांति इसीलिए हुई थी 1788-89 में, जब फ्रांस में लोग भूखे हो गए, उनको खाना नहीं था, तो वो जो है फ्रांस के राजा के महल के बाहर इकट्ठे हो गए और वहाँ उन्होंने मैरी को कहा, मैरी अंतावने को, कि हमें जो है रोटी दो। तो रानी को नहीं पता था, रानी ने कहा इनके पास रोटी नहीं तो केक क्यों नहीं खाते, और लोगों को बात इतनी चुभी कि ये औरत जो है हमारा मजाक उड़ा रही है, और उन्होंने क्रांति कर दी और क्रांति करके जो है वहाँ की जो है राजसत्ता बदल गई, पूरी दुनिया में जो है एक लोकतंत्र का उदय हुआ। और उसी में दूसरी मजे की बात यह है, जब वो सारे क्रांतिकारी गए तो बिस्ले जेल थी, तो बिस्ले जेल जो है वो वहाँ का एक प्रतीक था सरकार के अत्याचारों का, और लोगों के बारे में अलग अलग राय थी कि हथियार हैं ये, तो लोगों ने वहाँ हमला कर दिया
और बिस्तरे जेल को जब तोड़ दिया उन्होंने, तो वहाँ के सारे कैदी जो थे, जो जंजीरों से बंधे थे, उनको उन्होंने मुक्त कर दिया और कहा तुम जाओ। अब वो कैदी जो थे सारे दिन तो घूमते रहे, शाम को आके बिस्तरे जेल पर बैठ गए। तो लोगों ने कहा भाई क्यों आ गए, तुम्हें तो आज़ाद कर दिया। बोले आज़ाद तो कर दिया, शाम का खाना कौन देगा। तो आदमी की भूख जो है, आदमी को जो खाना है वो इतनी मजबूर करती है कि उसे लगता है कि आज़ादी ज़रूरी नहीं है, मेरी भूख मिटना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ज़िंदा रहूँगा तभी तो मैं आज़ादी का भोग करूँगा। तो ये सरकार को समझना चाहिए। और जो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो 90 करोड़ लोगों की बात है, 90 करोड़ नहीं है, 90 करोड़ लोग तो उस समय थे 2013 में, 2013 से लेकर 2020 के बीच में जो 6 सालों में बेरोजगारी आई है, तो ये 90 करोड़ लोग बढ़ के अब जो है आज के अगर दिन देखेंगे तो 110 करोड़ लोग हैं जिनको ये फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो है सरकार को खाना देना है। 1 अरब से ज़्यादा बढ़ गए। जी हाँ। और कुछ अब आए होंगे जो लॉकडाउन में बड़े होंगे। वही वही तभी मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ 10 लाख हो गए हैं। जी जी। और ये जो जिसको ये कहते हैं मेरी योजना है कि गरीब कल्याण योजना, तो मोदी जी कहाँ रहते हैं, लोक कल्याण मानते हैं। तो उनका जीवन जो है नाम बदल दिया इसलिए लोक कल्याण मार्ग, तो वो कल्याण की चिंता करते रहते हैं। तो कल्याण की चिंता में उन्होंने कहा गरीब कल्याण योजना ले आओ, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट तो लाना नहीं था। अब वो जब योजना उन्होंने लाई तो 2016 की योजना है, और 2016 की योजना यह है जो भ्रष्ट लोग हैं जिन पर खूब सारा पैसा इकट्ठा हो गया है, वो सरकार को जो है दंड दे के जो है पैसा दे दें, और वो पैसा गरीब कल्याण कोष में इकट्ठा होगा। इकट्ठा हो गया। तो 31 मार्च 2017 तक गरीब कल्याण योजना में सिर्फ 5 करोड़ है, और 5 करोड़ आए तो जबकि उस समय के जो हसमुख अधिया जो वित्त सचिव थे भारत सरकार के, उन्होंने कहा ये योजना हमारी फेल हो गई है, पैसे नहीं है उस योजना में, गरीब कल्याण योजना में पैसा नहीं है। लेकिन गरीब कल्याण योजना पे मोदी जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को 91,000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। तो फिर उसका हिसाब लगाया हमने, तो पता लगा एक आदमी को मिलता है 1,125 रुपये, यानी 225 रुपये महीने का। और अगर हम ये लगाएं कि जो खाना दे रहे हैं 5 किलो, तो 6 किलो अगर अनाज देते हैं, तो एक आदमी को, जो अभी बात चल रही थी चना क्यों दिया, तो चना ही दे दिए कि प्रोटीन उसमें होता है और प्रोटीन जिंदा रहने के लिए आदमी को ज़रूरी है। तो एक आदमी की डाइट जो है WHO के मुताबिक और यूनिसेफ के मुताबिक जो है 0.5 किलो आदमी अनाज दिन में खाता है। तो अगर 6 किलो आपने दिया तो वो कितने दिन खाएगा, 12 दिन, बाकी 18 दिन क्या करेगा। और अगर ये कहें कि सरकार ने कितने पैसे दिए, 225 रुपये महीना एक आदमी को दिए। अब 225 रुपये में आप और या मैं जी सकते हैं नहीं, तो हर आदमी कह सकता है जी मैं जी सकता हूँ। तो ये योजना जो है बेसिकली गरीबों का मजाक है। लेकिन जो प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, वो बड़े उससे कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा तीर मार दिया। तीर क्या मार दिया कि बिहार में अब ये चुनाव इनको कोई नहीं हरा सकता। मैं कहता हूँ इस योजना को मनमोहन सिंह ने लागू किया वो हार गए, मनरेगा मनमोहन सिंह ने लागू की वो हार गए। तो उन्हीं योजनाओं को आप आधे अधूरे ढंग से कहो और कहो जी ये बड़ा इन्होंने तीर मार दिया, ये ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र है इनके हाथ में जिसे गेम चेंजर कहते हैं वो है। तो ये जो है लोगों की भावनाओं के साथ मजाक है जो मीडिया करता रहता है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि इन्होंने एक राशन कार्ड, वन राशन कार्ड की बात, वन नेशन वन राशन, वो वन नेशन वन चीज़ें बहुत चीज कर चुके, एक नई चीज़ नहीं लाए, ये भी क्या पुरानी चीज़ है वन नेशन वन। नहीं, ये उस समय योजना थी कि राशन कार्ड, तो जब आपने 90 करोड़ लोगों को ये राशन देना है तो राशन कार्ड तो बन ही गया, तभी तो उनको पैसा मिलेगा, तभी उनको मिलेगा। और हर आदमी को क्या है, सरकार जो है योजनाएं नहीं बनाती है। जब आप पे आधार आ गया तो आधार के बाद आपको जरूरत ही नहीं किसी चीज़ की, राशन कार्ड की। आप जो है मल्टीपल कार्ड क्यों बना रहे हैं, मल्टीपल कार्ड बनाने का मतलब 10 कार्ड रखो, 10 जगह उसकी एंट्री करो, 10 जगह उसका डाटा बनाओ, 10 जगह सरकार का खर्च हो। तो जो पैसा सरकार का खर्च होना चाहिए वो इसलिए है कि एक कार्ड होगा तो उसमें एक फ़ोटो छपेगी, दो होगा तो 2 बार फ़ोटो छपेगी, 3 होंगे तो 3 बार फ़ोटो छपेगी। तो जो फ़ोटो का जो एक दिमागी एक भ्रम है उसके चक्कर में जो है ये काम हो रहा है। आपने यानी जो ये राशन कार्ड बनवा रहे हैं, तो आपका आपकी राय है कि इसी को कहीं मर्ज कर देते हैं। आपके पास देखिए आधार का डाटा है, हाँ। आपके पास जो है वोटर आई कार्ड का डाटा है, सब कार्ड लेके चलना, सारे डाटे हैं, बच्चे का भी पैदा होता है, हाँ। बच्चा उसका आधार बन जाता है, आधार बनता है। तो आप कहो जी हम इसका वन राशन कार्ड बनाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार को अपनी योजनाओं की क्या उपयोगिता है वो नहीं पता, और ना कोई बता रहा कि इनकी क्या उपयोगिता हो सकती है। मल्टीपल जब भी आप कार्ड बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव या वो होगा। और अभी आपने देखा होगा टीवी में वो आ रहा था कि मनरेगा में जी हम गए तो हमारे प्रधान जो है वो हमें 300 रुपये देता है, बाकी कहता है बाकी पैसे मेरे, हाँ, वो तो और उनके कार्ड रख लेता है, कार्ड रख लेता है। तो जब आपके मेरे 3 कार्ड हैं तो वो राशन वाला कहेगा अपना कार्ड यहीं छोड़ जा और तू आधार कार्ड लेके घूमता है। तो ये मल्टीपल कार्ड जो है ये एक तरह से बेईमानी को बढ़ावा देता है।
बहुत 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 शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने बड़े डिटेल में मोदी जी ने अभी जो आए वो 19 मिनट कुछ सेकंड का भाषण देखे गए थे, जिसमें यही सब चीज़ें थी कि जो आपने बताया कि मनमोहन सिंह सरकार की, जो यूपीए सरकार की, खास तौर पे मनमोहन सिंह की खास बात है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार है, ये तो कहते हैं यूपीए सरकार ने जो लागू हुई थी, और इन्होंने मनरेगा का तो पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़ी बुराई की थी कि ये धब्बा है कांग्रेस के ऊपर और हम इस धब्बे को लेके चलेंगे कांग्रेस को दिखाने के लिए कि मनरेगा क्या चीज़ है। नहीं, वो कहते थे मनरेगा मनमोहन सिंह की सरकार की विफलताओं का जीता जागता प्रतीक है, प्रतीक है, हाँ। और इसे हम बंद इसलिए नहीं करेंगे, हाँ। क्योंकि अगर हम बंद कर देंगे तो हम लोगों को ये कह नहीं पाएंगे कि इन्होंने मनरेगा जैसी फेल योजना फेल योजना। तो एक फर्क है, एक हार्वर्ड का पढ़ा हुआ आदमी है, एक जो है ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ आदमी है, एक जो है मैं कहता हूँ कि छोटे से गांव का पढ़ा लिखा आदमी है, तो दोनों की सोच में थोड़ा सा फर्क है और उसकी वजह से ये भेद आता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत डिटेल समझाया। इसी के साथ हम चलते हैं फिर स्टूडियो की तरफ और अगले अंक में फिर मुलाकात होगी रविंद्र कुमार जी से, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।